देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। बस्तर जिले में स्थित सीआरपीएफ एटी की बटालियन का लापता जवान 52 दिन बाद घर लौट आया है। घर से भागने के बाद जवान निर्मल कटारिया मध्य प्रदेश में रह रहा था। जगदलपुर लौटने के बाद जवान ने घर छोड़ने की वजह पारिवारिक कारण को बताया। जवान के मुताबिक उसकी पत्नी हीना कटारिया उसे टॉर्चर करती थी, पिटाई करने के लिए दौड़ाती थी। पत्नी की इन्हीं हरकतों से तंग आ गया था, इसलिए घर छोड़कर चला गया था। हालांकि जवान की पत्नी ने आरोपों को झूठा बताया है। निर्मल कटारिया ने कहा कि हम दोनों पति पत्नी के बीच पिछले कुछ महीनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। किसी न किसी बात को लेकर हर दिन घर में झगड़ा होता था। पारिवारिक कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि घर छोड़ने का और कहीं जाकर सुसाइड करने का निर्णय ले लिया था। इसी वजह से 5 अगस्त से ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। निर्मल कटारिया का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसी शहर में रहकर मजदूरी का गुजारा कर रहा था। मेरी औरत से परेशान था, वो मेनली टॉर्चर करती थी, झगड़ा करना, उसका दूसरे से बातें करना, जिस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रखा था। मैं अपना सोचा था कहीं जाके खत्म हो जाए, ऐसे करके निकल गया था और कई दिन बाहर रहा, अपना मजदूरी करके अपना दिन काट रहा था। बाकी मुझे कोई किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।